हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो हिंदी का एक नया टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक, जिसको हम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा होगा रस। रस क्या होता है, रस किस तरह से जाना जाता है, रस के किस किस रस की उत्पत्ति कैसे हुई, रस किसने सर्वप्रथम बताया, ये रस होता है, रस के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे कि रस किस तरह से कार्य करता है, रस का प्रयोग किन किन तरह के वाक्यों में होता है, किस किस तरह से काव्यों में होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे रस, जो आपका ये टॉपिक है, रस के माध्यम से। तो अब फिलहाल जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो लोग तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच रही है, वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अभी भी आप लोग इतने कमज़ोर दिख रहे हैं कि जब तक आपको कहा जाता है कि लिंक नहीं भेजा जा रहा है, आप तब तक वीडियो के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो आपको तो ये सबसे गंदी आदत है, सबसे बुरी आदत कही जाती है कि किसी चीज़ की आपको लत लगी हुई है। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, यानी आपको वो चीज़ चाहिए तभी हम आएंगे, यानी हम न्योता देंगे तभी आप आएंगे, बिना न्योता दिए आप नहीं आएंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आप अपने हिसाब से नहीं आ सकते हैं जब तक आपके पास लिंक न चली जाए। कल का वीडियो में हमने देखा, बड़ी ही निराशा हमको हुई कि कम से कम ही लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े थे, जो जिसकी संख्या अधिक होती थी, कल हमारे वीडियो के साथ बहुत कम लोग जुड़े थे। क्यों? लिंक को ढूंढ रहे हैं कि जैसे ही सर लिंक भेजेंगे, लिंक भिजवाएंगे, उसके माध्यम से हम जुड़ेंगे। वो भी लिंक भेजने के बावजूद भी आप नहीं जुड़ते हैं, इतने होनहार वीरवान आप विद्यार्थी हैं। तो ऐसे आगे से गलती ना करिए। और तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं, देखिए केवीएस का फॉर्म आ चुका है, केवीएस में कहा जा रहा है कि जिन्होंने सी टेट का फॉर्म भर दिया है, सी टेट का फॉर्म भर दिया है, अगर उन्होंने चाहें, अगर वो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम भी केवीएस का फॉर्म भरे, भले से वो सी टेट पास नहीं है और पहली बार वो सी टेट का फॉर्म भर रहे हैं, तो वो भी केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं, केवीएस के फॉर्म के लिए अप्लाई। कंडीशन ये होगी कि जब तक आप पास नहीं होंगे सी टेट, और यहाँ केवीएस वाली परीक्षा पास कर लेते हैं और सी टेट वाली परीक्षा नहीं पास करते हैं, तो आपको फेल माना जाएगा, यानी अपेयरिंग के रूप में आपको केवीएस के परीक्षा में सम्मिलित तो कर लेगा, लेकिन अगर आप पास नहीं होते हैं सी टेट, तो वो लाख अच्छा नंबर पा जाए तो आपको पास नहीं माना जाएगा। अभी भी वक्त कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अच्छे से वीडियो के साथ जुड़िए, ध्यान से देखिए। और उसमें क्या होता है, सी टेट के सिलेबस में और केवीएस के सिलेबस में, उसमें भी साइकोलॉजी होती है, उसमें भी हिंदी होती है, उसमें भी रीजनिंग होती है, उसमें भी जनरल नॉलेज होता है, उसमें भी इतिहास होता है, जो आपके केवीएस के फॉर्म है। चाहे आप टीजीटी को उठा के देखिएगा, चाहे पीजीटी को उठा के देखिएगा, चाहे पीआरटी यानी प्राइमरी की उसकी वैकेंसी उठा के देखिएगा, सब में जनरल नॉलेज है, सब में साइकोलॉजी है, सब में मोस्टली हिंदी है पूछी गई है। तो आप ऐसा करिए ना कि हिंदी की वीडियो के साथ जुड़िए। आपको लग रहा होगा कि वह सी टेट है, बस पास होंगे तब केवीएस का फॉर्म डालेंगे, तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय अभी है, आप चाहें तो केवीएस के लिए जब भी अप्लाई 5 तारीख से हो रहा है, अप्लाई करिएगा फॉर्म, और अपेयरिंग में आप डाल दीजिएगा सी टेट अपेयरिंग, उसके बाद फॉर्म भर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए कि सी टेट क्लियर हो जाएगा और आपका वो भी केवीएस भी क्लियर हो जाएगा, और दोनों के साथ आप पढ़ते पढ़ते ही नौकरी मिल जाएगी, बड़ी खुशी की बात होगी हमको। अब बात करते हैं रस की। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है रस, ये रस होता क्या है? सबसे पहले हम रस की बात करते हैं। रस होता क्या है? गन्ने का रस, गुड़ का रस, कि चीनी का रस? रस का मतलब होता क्या है हिंदी में? रस तो अपने अपने जगहों पर रस होता ही है, आप यहाँ पे हिंदी के रूप में रस की क्या होता है? रस का हिंदी में शाब्दिक अर्थों के रूप में कहा जाता है, रस का कहा जाए एक तरह से, रस रस का शाब्दिक अर्थ आनंद क्या होता है? आनंद, आनंद मतलब जो आप सुनते हैं, जो समझते हैं, उसके बाद आपको किसी न किसी, आपको हंसी भी आती है, आपको रुलाई भी आ जाती है, कोई कोई बात सुनते हैं, मार्मिक ढंग से सुनते हैं उस बात को, तो आपको उस बात के लिए हंसी भी आती है और उस बात के लिए
कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं कि वो गलत हुआ, ये अच्छा हुआ, तो वो क्या कहलाता है? वो रस ही कहलाता है, यानी रस का परिभाषा के रूप में कहा जाए, जिसके साथ श्रोता जो सुनने वाला है और वो वक्ता जिस भावों के साथ वक्ता अपनी बात को कहता है और उसी भावों के साथ श्रोता सुनता है, और सुनने वाले और बोलने वाले के बीच से जो एक रति उत्पन्न होता है, जो एक आनंद उत्पन्न होता है, उसी को हम रस कहते हैं। जो बोलने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है, दोनों के सुनने और समझने में हमको क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे रामायण की कथा चलती है, कोई पंडित जी, चाहे कोई आचार्य, चाहे कोई शास्त्री जी, अपने अपने ढंग से कथाओं को कहते हैं, लेकिन देखिए वही चीज़ें कोई और कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, वही रामायण की कथा कोई और कहता है तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है, कोई कहता है तो बहुत अच्छा लगता है। उससे क्या होता है? हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है, और जिस चीज़ से हमको आनंद की प्राप्ति होती है उसी को हिंदी साहित्य में रस कहा जाता है। और रस का शाब्दिक अर्थ अगर एग्जाम में पूछे तो आप कहेंगे आनंद। ठीक, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। अब बात करते हैं रस किस धातु से बना है, रस जो शब्द है किस धातु से बना है, एक एक करके प्रश्न को नोट करते चलेंगे। रस किस धातु शब्द से, धातु शब्द से बना है, बताइए, ये आपके लिए प्रश्न है। और एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते चले जाते हैं। और आजकल की कंपटीशन, ये जान लीजिए कि हल्के प्रश्न वो पूछने वाला नहीं है, आपको सारी की सारी चीज़ें जाननी है, जिससे आप मेरिट देखते हैं बहुत हाई चली जाती है। तो क्यों चली जाती है? क्योंकि विद्यार्थी इसमें ज़्यादा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपका कंपटीशन क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को जानना। और वो मेरा क्या काम है? सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान वो देना। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ रस किस धातु शब्द से बना, यानी वो कौन सा शब्द है जिससे रस शब्द की उत्पत्ति होती है, जल्दी बताइए कौन सा वो शब्द है। चलिए, वो श्री, श्री जो है शब्द इसी धातु से रस शब्द की उत्पत्ति होती है। और श्री का अर्थ क्या होता है यहां पे? श्री का भाई इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता होगा ना, तो श्री का क्या अर्थ होता है? अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि रस जो शब्द है वो किस धातु से बना है, तो आप कहते हैं श्री। और श्री का जो श्री वाला नहीं, श्री कृष्ण वाला श्री नहीं, श्री कह रहे हैं हम। ठीक, तो ये जो सरीसृप वाला है, सृप कहते हैं ना, सृप वही, सृप तो श्री वही। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ बहते जाना, यानी जो रस है एक दूसरे के माध्यम से, तीसरे के माध्यम की, वो देखिए बहुत अच्छा बता रहे थे, वो बहुत अच्छा समझा रहे थे, इसी का यही कहता है कि बहते जाना। श्री का जो शाब्दिक अर्थ होता है बहते जाना होता है, यानी ये रस को आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ठीक, अब रस की उत्पत्ति का श्रेय किसके जाता है भाई? रस की उत्पत्ति का श्रेय किस आचार्य को जाता है? रस की उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति का श्रेय किस आचार्य को जाता है? किस आचार्य को जाता है भाई? रस की उत्पत्ति का श्रेय किस आचार्य को जाता है, बताइए। अगर रस किसी ने सबसे पहले रस शब्द का नाम लिया तो वो किसने लिया, किस आचार्य ने लिया, जल्दी बताइए। तो भरत मुनि का नाम सुने होंगे आप लोग, भरत मुनि, भरत मुनि आचार्य जो थे उन्होंने सर्वप्रथम रस शब्द की उत्पत्ति किया था। ठीक, उन्होंने किसका किया था? भरत मुनि ने। इनकी एक बहुत फेमस रचना है, पूछता है कि भरत मुनि की जो सबसे फेमस रचना है वो कौन सी है, भरत मुनि की सबसे फेमस रचना, भरत मुनि की सबसे
प्रसिद्ध रचना बताइए कौन सी है। सबसे प्रसिद्ध रचना अक्सर हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी रूप में ये पूछ लेता है। ये इतनी बार ये पूछा गया होगा कि शायद ही मैं बता पाऊँ कि कितनी बार ये पूछा गया, अनगिनत बार पूछा गया ये प्रश्न। तो आप भी जान लीजिए नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, ये जो नाट्य शास्त्र है ये किसकी रचना है? भरत मुनि की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इसी भरत मुनि जो जिन्हों जो थे भरत मुनि ने जो कहे कि विभावा अनुभावा संचारी भाव योग, ये शब्द इन्होंने जब कहा तो वो किसमें कहे? उनकी प्रसिद्ध जो रचना थी नाट्य शास्त्र की, उसी में इन्होंने कहा कि रस होते हैं, रसों के बारे में इन्होंने बताया। और रस के बारे में क्या बताया भाई? उन्होंने कहा कि जो रस होते हैं, रस जो होते हैं उनमें अस्थाई भाव नहीं होता है। भरत मुनि, भरत मुनि जो हैं नाट्य शास्त्र में कहते हैं कि जो रस होते हैं ना उनमें अस्थाई भाव नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो रस होते हैं अन्य आचार्यों के द्वारा, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा, आचार्य मम्मट के द्वारा, उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि रस में अस्थाई भाव होते हैं। बिना अस्थाई भाव के रस हम नहीं कह सकते, बिना अस्थाई भाव के रस के बारे में हम नहीं बता सकते। यानी जो चीज़ें होती हैं रस की उसमें अस्थाई भाव होते ही होते हैं, लेकिन भरत मुनि यही अस्थाई भाव नहीं मानते हैं। यानी कहते हैं कि जो रस होता है उसमें किसी भी प्रकार का अस्थाई भाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि ये रसों को कितने रसों के रूप में विभाजित करते हैं, सीधे सीधे नाम ले लेते हैं उनके। आगे हम उनके नामों की चर्चा करेंगे, फिलहाल पहले रस के बारे में जो मूल मूल चीज़ें हैं उसको जान लें, जो आपके परीक्षा में आते हैं 100% श्योर एंड सर्टेन। ये इसमें से प्रश्न आपके आने ही आने, आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे हिंदी से, इसमें से रस से प्रश्न एक रहेगा ही रहेगा। और मैं नहीं चाहता कि वो रस से क्वेश्चन आए और आप कहें कि सर रस से वो प्रश्न आया था मैंने कर नहीं पाया। आप पिछले SSC GD वाला उठा के देख लीजिए, यही पूछ लिया था कि रस कितने प्रकार के होते हैं, भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं। प्रश्न यही मैं पूछ लूँ आपसे कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है? आप एक बार उठा के देखिएगा SSC GD का, उसमें ये प्रश्न आया था। किसके अनुसार पूछा था? भरत मुनि के अनुसार। उसके ऑप्शन में क्या था? 8 था, 9 था, 10 था, 11 था। ठीक, रसों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 11 है ना। तो ये सारे के सारे ऑप्शन में दे रखा था। और बहुत सारे लोगों ने उत्तर क्या गलत किया था भाई? उन्होंने कहा कि सीधा सीधा भरत मुनि, क्योंकि ये रस के प्रणेता हैं, रस के बारे में बताते हैं, रस के बारे में ये जानकारी देते हैं, क्योंकि इनकी पुस्तक आई है नाट्य शास्त्र में इन्होंने कहा है कि रस इतने प्रकार के होते हैं। वही रसों की संख्या पूछ लिया कि कितने होते हैं रस भरत मुनि के अनुसार। तो लोगों ने उत्तर लगाया 9, जबकि वो तो अन्य जो आचार्य हैं उनके अनुसार 9 होता है ना, क्योंकि ये अस्थाई भाव मानते ही नहीं हैं। जब अस्थाई भाव नहीं मानते तो वो रस की संख्या कितने लेके चले गए? 8। ये रसों की संख्या कितने लेके चले गए? 8। और कौन से रस को ये नहीं मानते हैं? 8, जो 9वां रस। 8 तो ये मानते हैं कि रस कितने होते हैं? 8 होते हैं। जो 9वां रस होता है, यानी कह सकते हैं 9वां रस कौन सा है जिसको भरत मुनि नहीं मानते हैं?
क्योंकि इन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। तो हम कितना पढ़ते हैं रसों की संख्या, 9 पढ़ते हैं। तो वो नौवा कौन सा रस है, मैं प्रश्न यही पूछ रहा हूँ कि ये 9 अंग्रेजी में मैंने लिखा है और 9 हिंदी में, जो अंग्रेजी में जानते हो 9 वो अंग्रेजी के लिए है और कोष्टक में मैंने उसी को रूप में हिंदी में भी लिख दिया कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी जाने 9 ऐसे। तो नौवा रस कौन सा है जिसको भरत मुनि ने नहीं मानते हैं, तो वो नौवा रस कौन सा है भाई, तो वो रस है शांत रस। प्रश्न आपसे यही पूछे गए कि वो नौवा रस कौन सा है जिसको भरत मुनि नहीं मानते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, शांत रस है जिसको भरत मुनि नहीं मानते हैं, क्योंकि नौवा रस जो है उसके बारे में वो नहीं जानते हैं, नहीं बताते हैं, अपने नाट्य शास्त्र में उसकी कहीं भी व्याख्या नहीं किए हैं, ठीक, बाकी रसों की वो व्याख्या किए हैं, ठीक। अब आगे और भी जानते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ तक देखिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हट जा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए कि आप इसको भूलिएगा नहीं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, क्योंकि इसमें से प्रश्न आने ही आने हैं और ऐसे ही आएंगे, कौन पूछ देगा, शायद आप बता सकते हैं क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप एग्जाम देते हैं, SSC का देते होंगे, हिंदी रीट का देते होंगे, तमाम प्रकार की प्रतियोगी पर UP TET CET TET तमाम देते होंगे, तो आपको पता होगा कि इसमें से कौन सा बेहतर जानते होंगे, ठीक। अब अगला बात करते हैं, अभी रसों के बारे में जान लीजिए कि रस किस तरह से आए, किस किस तरह से आए, इसमें से कौन सा प्रश्न उठा के पूछ देगा, शायद ही हमारे और आपके बीच की जो बात है कि हमारा एक भी विद्यार्थी यहाँ से फेल ना हो, एक भी नंबर इससे ना हो कि छूट, ठीक। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जो रस का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपनिषद में होता है, कहते हैं रस का प्रयोग सर्वप्रथम किस उपनिषद में होता है। भाई जितने भी उपनिषद हैं उनमें से कौन सा ऐसा उपनिषद है, जिसमें ऐसे रसों के बारे में सर्वप्रथम बताया गया, बहुत सारे उपनिषद हैं ना, तो उन बहुत सारे उपनिषदों में ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें रसों के बारे में बताया गया, उस उपनिषद का नाम बताइए, वो कहा जा रस का प्रयोग सर्वप्रथम किस उपनिषद में होता है, यानी उस उपनिषद का हमको नाम बताइए, कौन सा वो ग्रंथ है, उपनिषद का जो नाम है ग्रंथ का वो हमको बताइए, बताइए आप जल्दी बताइए, यही कह रहे हैं ना क्लास में आप जुड़ते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए क्लास का एक भी अगर प्रश्न, क्योंकि मेरी ऑफलाइन कक्षाओं में आके यही प्रश्न आके पूछ रहा था विद्यार्थी कि सर ये एग्ज़ाम में आया था और ये चीज़ें मुझे बता दीजिए, मैंने कहा कि जब मैंने तुम्हें ऑफलाइन में बताया तब तुमको नहीं समझ में आया कि तुम पता नहीं कहाँ ध्यान लगा के रखे थे, और मैं कह रहा था कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लो, कहा कि सर ये चीज़ें बिल्कुल आई थी और उसके लिए उसने बकायदे पछतावा उसको हो रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं अगली बार से जब भी क्लास में रहो पूरे टाइम तक रहो, पूरे ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उसको अब चीज़ें उसको आसान हो गई, अब प्रश्न इससे आ जाए तो नहीं छूटता है उसका, कहता बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, तो ये चीज़ें हैं, वो मुझे भी दुख हो रहा था कि ये क्यों उस दिन ध्यान से सुना नहीं, तो ठीक कौन सा उपनिषद है भाई, तैत्रीय उपनिषद का नाम सुने हैं, तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय जो उपनिषद है उसमें सर्वप्रथम रस शब्द का प्रयोग हुआ था, तैत्रीय उपनिषद है उसमें सर्वप्रथम किस क्या प्रयोग हुआ था, रस शब्द का, यानी अब प्रश्न पूछ दे ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें रस का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे तैत्रीय उपनिषद, ठीक। वाक्य रसात्मक काव्यम, एक बहुत ज़्यादा वो कोटेशन पूछता है, वाक्य रसात्मक काव्यम,
वाक्य रसात्मक काव्यम किनकी पंक्ति है? किनकी पंक्ति है? किनकी पंक्ति है? उस आचार्य का नाम बताइए जो अक्सर आप देखते होंगे कि ये वाला कोटेशन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, आप बहुत बार देखे होंगे। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से आचार्य हैं जिन्होंने ये कहा था। तो वह यहाँ तो आप जान लेते हैं, लेकिन एग्जाम माहौल में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ठीक ढंग से उन 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 आचार्यों की परिभाषा को आप ठीक ढंग से जाने नहीं हैं। तो वाक्य रसात्मक काव्य अब किनकी पंक्ति, यानी किस आचार्य ने ये पंक्ति कही है? तो आचार्य विश्वनाथ जी ने ये वाक्य रसात्मक काव्य कहा था। यानी जो वाक्य हैं इसमें रसों का जो प्रयोग हो रहा है बड़े मधुर ढंग से होता है, यानी वाक्य रसात्मक काव्यम, यानी जो रस प्रदान करता है वाक्यों के साथ काव्यों को, वो वाक्य रसात्मक काव्य कहलाता है। उसको इन पंक्ति की रचना आचार्य विश्वनाथ ने किया था। ठीक, अब आचार्य विश्वनाथ ने अपने किस, यही वर्ड जो है वाक्य रसात्मक काव्य लिख दें तब आप जानेंगे, नहीं फिर कंफ्यूज। वाक्य रसात्मक काव्यम वाक्य रसात्मक काव्यम किस ग्रंथ में कहा गया है? वाक्य रसात्मक काव्यम ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये बातें कही गई है? कौन सा संस्कृत, कौन सा है भाई? उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें वाक्य रसात्मक काव्यम कहा गया है। वो ग्रंथ का हमको नाम बता दीजिए जिसमें ये बात कहा कही गई है। यानी कह सकते हैं कि साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण जो संस्कृत का साहित्य विषयक ग्रंथ है, कह सकते हैं संस्कृत का साहित्य विषयक संस्कृत का साहित्य विषयक साहित्य विषयक ग्रंथ है। एक आपसे प्रश्न यही पूछ रहे कि किस भाषा में लिखा गया, तो आप कहेंगे संस्कृत का। आप पूछेंगे कि काव्य है क्या है, तो ये साहित्य की ही एक विधा है। साहित्य की विधा के अंतर्गत साहित्य दर्पण लिखा गया आचार्य विश्वनाथ के द्वारा, और आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण को जब लिखते हैं तो इसी बुक में, इसी किताब में कहते हैं कि वाक्य रसात्मक काव्यम नाम का जो ये प्रसिद्ध कोटेशन है ये इसी किताब में बोलते हैं। किताब का नाम है साहित्य दर्पण। इस साहित्य दर्पण में ही ये बात कहते हैं वाक्य रसात्मक काव्यम। ठीक, अब बात करते हैं कि रस के कितने प्रकार होते हैं। रस कितने प्रकार, रस के कितने प्रकार हैं भाई? रस के जो अंग होते हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि रसों की संख्या कितनी है, मैं रस के अंग पूछ रहा हूँ, रस के प्रकार पूछ रहा हूँ, न कि संख्या। आप संख्याओं को मत लगिएगा बताने, मैं प्रकार पूछ रहा हूँ न कि संख्या पूछ रहा हूँ। ठीक, प्रकार बताइएगा। सबसे पहले मैं कहूँ चार प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? चार प्रकार के। कितने होते हैं रसों के जो अंग हैं वो कितने हैं? चार हैं। रसों के कितने प्रकार हैं? वो चार हैं। मैं संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक, प्रकार पूछ रहा हूँ कि रस की संख्या कितनी होती है, ये नहीं, मैं रस के प्रकार पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले कह सकते हैं संचारी भाव। संचारी भाव दूसरा कह सकते हैं, आप बताएंगे, आप बताएंगे। विभाव तीसरा क्या है? तीसरा क्या है?
अनुभव। और चौथा कौन सा है? अस्थाई भाव। ये चार प्रकार के रस होते हैं। ये रस मैंने पूछा कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? पहला है संचारी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है अस्थाई भाव। ठीक, ये चार प्रकार के रस होते हैं। और सबसे पहले हम लोग कल अब जानेंगे कि संचारी भाव के अंतर्गत कितने रस होते हैं, जो रसों की संख्या है वो कितनी होती है, वहां पे आप संख्याओं को बताएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। फिलहाल इसके रस के कितने प्रकार होते हैं? तो चार होते हैं, संचारी भाव, विभाव व अनुभाव, स्थायी भाव। इसमें देखिए कहा जाता है कि संचारी भाव, संचारी भाव और जो अस्थाई भाव है, संचारी भाव यानी और अस्थाई भाव, संचारी भाव वह अस्थाई भाव, ये इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, भाव को मित्र की संज्ञा दी गई है। यानी आपसे प्रश्न अगर ये पूछ दे कि इन चारों भावों में से, रसों के प्रकार में से कौन से ऐसे प्रकार दो हैं जिनको मित्र की संज्ञा दी गई है, तो आप कहेंगे संचारी भाव और अस्थाई भाव को मित्र की संज्ञा दी गई है, संचारी भाव और अस्थाई भाव को मित्र की संज्ञा दी गई। यानी आपसे प्रश्न पूछे और आपको इसका उत्तर देना ही देना है, और देने के किस रूप में? आप इस रूप में, इससे ज़्यादा ये प्रश्न नहीं पूछ सकता, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैंने कर दिए। और रही बात संचारी भाव, संचारी भाव से रिलेटेड वो वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे वो कल मैं बताऊंगा। इसके जो संख्याएं होती हैं रसों की वो मैं कल बता दूंगा, रसों की जो अस्थाई भाव होते हैं वो भी मैं कल बता दूंगा, और भरत मुनि के और भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन इस संचारी भाव से होंगे वो भी मैं कल बता दूंगा। क्योंकि संचारी भाव जब आप पढ़ेंगे तो संचारी भाव से रिलेटेड आचार्य विश्वनाथ का, चाहे आचार्य भरत मुनि का, इसके बारे में आप जानेंगे तो और बढ़िया से डिटेल होगा, क्योंकि कल हम लोग संचारी भाव को जानेंगे। अभी और अभी जितने लोग जुड़े हैं ये वीडियो को तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और संख्याएं इतनी पहुंचाएं, इतनी पहुंचाएं जिससे लगे कि हाँ ये क्लास आप ही के लिए है और आप पास होना चाहते हैं। फेल होने के लिए तो यहाँ कोई आया नहीं है, पास होने के लिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें भाई, जितना हो सके उतना शेयर करें। कल के वीडियो देख के मुझे बहुत दुख हुआ है, ठीक, तो आप ऐसे दुख हमको ना दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है और आपको लगता है कि बहुत छोटी सी मेहनत हो रही है, तो नहीं, आपके लिए बहुत सारी मेहनत हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अन्य क्लासेज क्यों नहीं चल रहे हैं, तो इसी मेहनत को लेके वो भी थोड़े से निराश हैं कि एक तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे पर झूठ में वो लोग सब परेशान हैं। तो एक काम आप ठीक से करके दिखाओ ना, तो दूसरी क्लासेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप ही तो उत्साहवर्धन हो, आप ही तो उत्साहवर्धन करते हो, तो जब इस क्लास में नहीं जुड़ते हो तो पता नहीं उस क्लास में, और दो चार लोगों के लिए क्लास कह रहे हैं सबकी क्यों बनाया जाए, तो वो ठीक है, आप मेहनत करो, आप और लोगों को जोड़ो, क्लास बिल्कुल वो आएगी। आप CDP की क्लास ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल वो क्लास पर काम चल रहा है, बिल्कुल जल्द ही से जल्द वो CDP की क्लास आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।